छोटे मोटे साइज के क्रैब्स तो आपने बहुत खाए होंगे। आज मैं आपको लेकर आ गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में, जहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ 3 किलो क्रैब की लाइव मेकिंग। तो देख सकते हो कितने बड़े साइज का यहाँ पे क्रैब आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा आपको क्रैब दिख जाएगा। तो अब इसको यहाँ पे पानी के टैंक में डाल के इसको अच्छे से यहाँ पे साफ कर लिया जाएगा। भैया क्या करेंगे अभी, हमको उसका लेग तोड़ देंगे, ऊपर का खोला है, एक बॉडी पार्ट है, लेयर है उसका। तो सबसे पहले सरसों का तेल डाला जाएगा। ये हमने लिए तेज पत्ता, ये हम थोड़ी डाल दिया है यहाँ पे, दालचीनी, खड़े मसाले, तवा, बारीक प्याज। तो अब हमारा एक क्रैब आ चुका है, अब इसको यहाँ पे अच्छे से किया जाएगा। यहाँ पे आ गया अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट। अब हमारी आ गई हल्दी और साथ में हमारी आ गई कश्मीरी लाल मिर्च, को अच्छे से भून लिया जाएगा। थोड़ा सा वाटर डालेंगे, जितना हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। और ये हम ऐड करेंगे इसमें धनिया पाउडर, और ये इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं चिकन मसाला, साथ में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें मीट मसाला। मसालों को अच्छे से भूना जा रहा है। तो देख सकते हो जो हमारा क्रैब है उसकी रंगत कितनी अच्छी आ गई है। जो हमारा 3 किलो का क्रैब था ये बन के अब रेडी हो चुका है। अब हम इसको हरे धनिया से गार्निश करेंगे और आपके सामने सर्व करेंगे।